एक बार आप अपना दे दीजिए छोटा सा इंट्रो. माय नेम इज स्नेहा झा, आई एम फ्रॉम इन्फ्लेस कपास प्लांट. हम लोगों का प्लांट है पंडोर में. जनरली वहाँ पे गए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए. वहाँ की लेडीज और गर्ल्स को डेवलप करना चाहते हैं. वहाँ पे मतलब उन लोगों को रोजगार का बहुत तब रहता है, उनको जल्दी नौकरी नहीं मिलती है, वो घर से निकलना चाहते हैं. तो हम लोग खुद ही पे करते हैं उनको मंथली, मतलब स्टार्टिंग करते हैं 3,000 से, ताकि उन लोगों को इंटरेस्ट आए कि हम लोग कुछ करें. तो उन लोगों को पैसा देके हम लोग सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, 2-3 महीने देखते हैं, फिर धीरे धीरे उनका मतलब अमाउंट भी बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे वो काम करते हैं. अभी भी मेरे पास शायद 15 लड़के हैं जो काम करें. और हमने ही उनको डेवलप किया, हमने ही सिखाया. मास्टर जी रहते हैं, वही सिखाते हैं, वही आगे फिर उनको डेवलप करके फिर चेन सिस्टम में हम लोगों का काम चलता है. तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके बने हुए हैं सारे के सारे? अच्छा, और आप लोग जैसे रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करते हैं? दिल्ली से और अहमदाबाद से, वैसे ज़्यादा दिल्ली से. दिल्ली से ही? ओके. सो इतनी बड़ी मतलब आई थिंक ये मेगा प्रोडक्शन है अपने आप में मेरे हिसाब से. हम लोगों के लिए तो रेगिस्तान में कमल खिलाने वाली बात है. हाँ, क्योंकि वहाँ पे गारमेंट का आपको अगर सुई भी टूट जाती तो वो सब चीज़ें आपको लेने के लिए दिल्ली जाना. ओके. मैं दिल्ली ही की हूँ, मेरे हस्बैंड बिहार से हैं और हम दोनों को लंबाई हुआ तो उन्होंने बोला कि कुछ करना है बिहार के लिए. मैंने ठीक है, मैं खुद तो मतलब 9-8 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग से का. अच्छा. चलो इसमें किस चीज़ का हमको नॉलेज नहीं था, कुछ पैसा दे कर हम कुछ सीखे हैं. और अभी भी मतलब मार्केट में पैसा काफ़ी मतलब वेस्ट भी होता है, स्टार्टिंग में तो होता है, पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस. अभी भी 20 के आस पास मेरा मार्केट में पैसा फंसा हुआ. आपका जो ये जो एम्पायर आई थिंक 5CR का है ना, तो फिर 5CR आपने कुछ लोन्स लिए, कुछ अपना सेल्फ बर्निंग हुआ? सेल्फ फंडेड. ओके. फिर भी मैम बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा पहली बार इतना बढ़िया देख करके. हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि जब बोलता है बहुत अच्छा काम भी है. हम लोग कोई लोकल काम नहीं करते हैं, जो ब्रांड बनाते हैं चाहे वो छोटा ही ब्रांड क्यों ना हो, स्टार्टिंग ब्रांड भी जो है वो साइजिंग के हिसाब से प्रॉपर है. राइट. कोई उसमें ये नहीं है कि हम छोट साइज बना रहे हैं. जो ब्रांड बनाता है रिवाइज के भी मतलब सुधा मिलती है मेरे पास आते हैं, कहते हैं उनको रिवाइज का भी इतना पसंद नहीं आता जितना तुम लोग आपका पसंद है. राइट है. मैं हर साल में वो 2-3 चीज़ अपना मेरे से ही बनवा के लेती हूँ. अब मार्केट आप कहाँ से पकड़ते हो? मतलब आप मार्केटिंग कहाँ कहाँ का मतलब करते हो? मार्केट मेरा अभी बिहार लोकल चल रहा है. लोकल में ही? तो लोकल में कैसे B2B कर? मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट के आसपास की मतलब 15 के अराउंड हम लोग थोड़ा कवर कर रहे हैं. अभी जैसे पटना भी गए थे, बनारस भी गए थे, फिर लॉकडाउन जो आया ना उसकी वजह से. तो वहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी मतलब B2B का? मतलब खुद का सेल्स लड़का मतलब शॉप्स पे जाके बताता है, ये करता है उसके पास मार्केटिंग. मतलब बैग रहता है उसका 15-20 पीस रहता है उसके अंदर, वो जाके वहाँ पे डोर टू डोर. अच्छा. मार्केटिंग से. ओके ओके. तो उनका भी एक होगा आपका खर्चा, उनको भी देना ही है. कितने टीम मेंबर्स हैं अभी? ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अभी मार्केटिंग सेल में अभी स्टॉप कर दिया. हम सोच रहे कि ऑनलाइन बिजनेस. ओके. तो अभी मेरा प्लेटफॉर्म तैयार है, खाली अभी मैं स्टॉक कर रही हूँ ताकि स्टॉक करके भी हम लोग ऑनलाइन लंच कर दें. क्योंकि बिहार से बेचना मुश्किल है ऑनलाइन, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि मैं नोएडा में मेरा घर है तो नोएडा में ही मैं वहाँ से ऑफिस लेके हम लोग वहाँ से चाह रहे हैं. बढ़िया, बहुत अच्छा. वहाँ पे लड़का लड़की कोई भी मतलब एम्प्लॉय मिलना आसान है, वो भी एजुकेशन के हिसाब से. अब वो लोग सीरियस होते हैं अपने काम को. अब बिहार में सबसे ज़्यादा टफ होता है आपका वहाँ पे लोगों से काम करना. बात सही है. एक स्किल्ड भी होना ज़रूरी होता है ना, ट्रेन लोगों का होना ज़रूरी है. लोग तो बहुत सारे हैं. नहीं, डेफिनेटली आई नो. इसीलिए मेरा भी मेरी बेटी है 7 साल की, मैं बड़ी होगी तो बाबा नहीं मुझे क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ, मुझे एजुकेशन तो नहीं की चाहिए. इसलिए मैंने बच्चों को यहाँ स्कूल डाला नोएडा में. मेरा घर है अपना ही, फिर वहाँ का अपना सोचो कि खाली तो बैठा ही जाएगा मेरा फैक्ट्री के. तो फिर फैक्ट्री जो टीम है वो चला रही है और अपना जो मॉनिटर करती हूँ मैं नोएडा में रहती हूँ. पर जब से बच्चे छोटे थे तो वहाँ रहती थी, पर अब नहीं हुआ. उनका एजुकेशन भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट. आई थिंक ट्रू मैन पावर का अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो मुझे आज आप दिख रहे हो. मतलब अभी तक मैंने जितने लोगों से बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी आप मुझे दिख रहे हो कि नहीं, आपने इतना फंड भी एग्जूट किया, स्ट्रगल किया, फैमिली को भी सफ़र कर रहे हो, फैमिली के लिए भी सोच रहे हो. हाउस उनको तो नहीं पता है कि मम्मा पापा क्या क्या कर रहे हैं. दोनों मेरे होटल में हम लोगों को ही मन जानते हैं कि कैसे अनसेफली उनको छोड़ गया. हाँ, ये ट्रस्ट है कि चलो कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले में ट्रस्ट है, चलो यहाँ तक आगे भी लिखे जाएगा. बहुत सही मैम, बहुत सही, बहुत जेन्युइन बात आपने बोली है. आई लव इट.
थैंक यू सो मच।